आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा जो एक तरह की जागरूकता से जुड़ा हुआ है, अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे जो मेजोरिटी करती है वैसी बातें नहीं करूंगा, ऐसी बातें करूंगा जो इस सोसाइटी के लिए सच है और जो जरूरी है। फ्रिज, लोग कहते हैं ना फ्रिजी बाल, मेरे बाल फ्रिजी हो गए हैं। तो ये एक इंग्लिश शब्द है, FRIZZ, फ्रिज। इसको समझने के लिए हम कहते हैं मेरे बाल बहुत शाइनी और बहुत मोटे हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट फ्रिज होता है। मतलब आपके बाल रूखे हैं, आपस में उलझ रहे हैं और देखने में बहुत बुरे लग रहे हैं, पुअर टेक्सचर, इसको हम फ्रिज कहते हैं। देखिए, एक हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री हैं तो मैं आपको बताऊंगा फ्रिज होता क्या है। एक बाल होता है, उसकी लेयर होती है। सबसे ऊंची लेयर क्यूटिकल हुई, जो हमारे बालों को चिकना और सुंदर बनाती है। बीच की लेयर कॉर्टेक्स हुई, उसके अंदर मेडुला हुई, जो कि उसको थिक या उसको नरम और हल्का बनाती है। तो ये जो फ्रिज है या पूरा टेक्सचर, ये क्यूटिकल की कहानी है। आपका क्यूटिकल जब सूखता है, जब कमज़ोर पड़ता है, उसमें हाइड्रेशन कम होता है, तो ये टूटता है। इसके अलावा अगर मॉइस्चर बहुत है एटमॉस्फेयर में, तो ये सूखा बाल मॉइस्चर को खींचता है और खींचते दौरान ये हल्का फूल जाता है। वो तो फूलने वाली स्थिति में ये उलझते हैं बाल, इसको हम कहते हैं फ्रिज। तो कहते हैं फ्रिज। तो कोई भी पुअर टेक्सचर्ड बाल किस तरीके से आपके आपके बालों को खराब करते हैं, इस तरीके से खराब करते हैं कि जब भी आपके बाल बहुत पुअर टेक्सचर्ड होते हैं तो वो देखने में भद्दे भी लगते हैं और आप काफ़ी पर्टिकुलर हो जाते हैं, उसको लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं। इसलिए पुअर टेक्सचर या फ्रिज बाल के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए मित्रों, इसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, और 10 में से 8 टाइम्स आप इसको खुद ठीक कर सकते हैं। 20% इज बिकॉज ऑफ द डिजीज, देन यू रिक्वायर अ ट्रीटमेंट। देखिए, इसको ठीक करने के तरीके यही हैं कि देखिए, जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो बहुत सोच समझ के धीरे से शैम्पू यूज़ करें। कभी कभी हम बहुत जल्दीबाजी में दिन में 1 या 2 बार शैम्पू तेज़ी से कर देते हैं, तो ये मॉइस्चर डालने की जगह मॉइस्चर ले जाता है। देखिए, कंडीशनर्स लोग रिकमेंड करते हैं फ्रिजी बाल की, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सिर्फ फ्रिजी समस्या नहीं होती, बाल कम होने या टूटना भी समस्या होती है। कंडीशन इज नॉट वेरी गुड अनलेस एंटिल वंस इन अ वीक, वंस इन 10 डेज कभी जरूरत पड़े तो आप यूज़ करें। नंबर 2 तरीका इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, देखिए, फ्रिज इज बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपके बाल गीले होते हैं तो उसको चौड़े दांत की कंघी से आप कंघी करें, और ब्रश हर समय अपने बाल सूखने के ऊपर करें। नंबर 3 सबसे यूजफुल तरीका, देखिए, टी ट्री इज अ यूनिवर्सल ऑयल। ये टी ट्री का प्योर अगर आपको एसेंशियल ऑयल मिलता है मार्केट में तो आप उसको प्रोक्योर कर लें। कामा आयुर्वेद, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बना रही हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने का तरीका, कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल मतलब ऐसा ऑयल जिसमें उसको डालना आप, क्योंकि बहुत थिक होता है और कंसंट्रेटेड होता है, आप डायरेक्टली यूज़ मत करेगा, नुकसान करेगा, प्लीज़ डोंट यूज़ डायरेक्टली। इसको आप वॉलनट ऑयल में, अखरोट के तेल में या आमंड ऑयल में अच्छे ड्रॉप्स डाल दें। मान के चलिए 2-4 चम्मच आमंड ऑयल में 10 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल के आप मिक्स कर लें, और रात में सोने से पहले उसको अपने बालों पे हल्के हाथ से अच्छे ढंग से लगा दें। लीव इट इन द मॉर्निंग, आप शैम्पू कर दें, और शैम्पू को भी कैसा हल्के हाथ से झाग निकाल के सर पे रखिए और 10 सेकंड के अंदर धुल लीजिए। आप देखिएगा कि आपके बाल कम फ्रिजी हैं, क्योंकि टी ट्री इज़ द बेस्ट बैरियर ऑयल। नंबर 1, पेशेंट कह रहे हैं मेरे बाल काफ़ी सूख रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं। फ्रिजी मतलब झड़ों जैसे या काफ़ी सूख जाने को हम फ्रिजीनेस कहते हैं, ड्राइनेस का ये दूसरा नाम है। चिपचिपे हो रहे हैं बाल, चिपचिपे होने के बावजूद भी ड्राइनेस और ख़राब से टेक्सचर के हो गए हैं। नंबर 2 कंप्लेंट, मेरे बाल पिछले 1-1.5 महीने से बहुत तेज़ी से गिरे हैं, और देखिए खाली हो गया है। पेशेंट बोलता बाल गिर रहे हैं, मैं बोलता हूँ बाल खाली हो गए। तो आपके बाल 1.5 महीने में खाली हो गए हैं। तीसरी कंप्लेंट, भाई मेरे बाल गिर तो रहे थे बहुत सालों से, लेकिन पिछले 1 महीने में ये बाल देखिए मेरे दोनों तरफ के ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा कि इनके क्या सोल्यूशंस हैं जो आपके हाथ में हैं, तो ये सोल्यूशन आपके हाथ में, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपके बाल फ्रिजी हो गए और टूट रहे हैं, जो दोनों पहली और दूसरी कंप्लेंट्स हैं, तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ एक्सेसिव कंडीशनर। आपका जो शैम्पू है वो कहीं ना कहीं आपके बालों को नुकसान कर रहा है। आप जो डाइज यूज़ कर रहे हैं इन केस, या सीरम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको नुकसान कर रहा है। आपने जो कुछ ड्रग्स ली होंगे, या आप इन्फेक्टिव हुए होंगे, या कोई ऐसी ड्रग्स चली होंगी,
तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहा है. प्लीज टेक केयर ऑफ इट. डू नॉट यूज कंडीशनर्स. कलर्स यूज नहीं करिए. रिलैक्स करिए. जस्ट डू अ रिलैक्सेशन. टेक अ गुड डाइट. वेट, यू शैल बी ओके. लेकिन यस, अगर आपको ड्राइनेस है बालों की, फिजीनेस है और बाल कम हो रहे हैं, तो ये यू रिक्वायर अ सॉल्यूशन. इट रिक्वायर्स अ डायग्नोसिस. इसको हम एलोपेशिया कहते हैं. ओके, देखिए अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा आप लोग के लिए. देखिए, आप कोई भी चीज को सीधे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च, कुछ इंटरेस्ट और कुछ पर्सनल थॉट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो इंडिविजुअल रिजल्ट्स मे वेरी एंड मे नॉट बी सो यूजफुल फॉर यू. इट मे बी एट टाइम्स फॉर अ एलर्जिक पेशेंट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव. प्लीज कीप these advices with disclaimers which I have given you just now. I am sure that these advices will help you to have a guidance about oily scalp, what you can do. मैं कहूँगा कि आप मुझे लिखिए पर्सनली, आप मुझे इनडायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे फ्रंट डेस्क पे, और मैं आपको ये सलाह लिखित दे सकता हूँ. आप जब भी चाहें मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ. या हम डॉक्टर ससंगी इसमें आए एंड टेक अ ट्रीटमेंट विच वी कॉल रेजिन प्रोटोकॉल्स एंड टेक ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्यू मंथ्स. आई एम श्योर दैट ट्रीटमेंट इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मेक यू लुक गुड, और परमानेंटली आपकी कंडीशंस को बेहतर कर देगा. मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर. सो मित्रों, दोस्तों, माय व्यूअर्स, आई टेल यू दैट डू नॉट वेट, डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन यूजिंग शैम्पूइंग. कम, राइट टू मी, speak to me or take a treatment at one of the Dr. Sasangi's branches which are right now at Delhi, Bangalore and Lucknow. Very soon we shall be having at Mumbai, and all these four branches shall help you in very short time of 2 to 3 months. Please come, take treatment. मैं श्योर हूँ कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन था वो आपके लिए काफ़ी होगा. और आखिरी तक मुझे सुनने के लिए थैंक्स. मैं फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ बेहतर आपके लिए वापस आऊँगा. थैंक यू सो मच.